पोठिया सबदा कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई परिचय के मोहताज नहीं, लगातार क्षेत्र में जनसेवा का काम करते रहते हैं। आज देखिए बैठे हुए हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है, और तो चलिए आइए पूछते हैं क्या बात है। थोड़ा आइए और दिखाइए क्या बात है सर, बताइए। देखिए हमारे आए हुए पूर्णिया से आए हुए सचिव महोदय जी हैं, और यह जो है संगठन पे बात विचार करने के लिए आए हुए हैं कि हम लोगों का आने LJPR लोजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, माननीय मेरा भैया जी, उनको 24 से लेके 25 में मुख्यमंत्री का मतलब चेहरा बनाया गया है, और उनको जो है कि हम लोग आप कहते हैं मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। जाति जनगणना हुआ है पता है ना, उसमें पासवान का जाति कितना दिखाया गया है। देखिए जाति जनगणना के तौर पे जाति जो भी है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमें जाति समीकरण पे मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते हैं। व्यक्तित्व विचार जो है उनका साफ सुथरा, यानी उनका पिताजी माननीय मेरा बड़े साहब रामविलास पासवान जी 8 बार केंद्र में मंत्री पद में रहे, 2 बार रहे रेल मंत्री, 1 बार कल्याण मंत्री, 1 बार दूरसंचार मंत्री, 1 बार खाद्य मंत्री, और 1 बार रहे कोयला मंत्री। आने आज तक बताइए कि उनके नाम पे कोई भी व्यक्तित्व विशेष की बात करते हैं। यदि मेरा माननीय रामविलास पासवान जी मेरा बड़े साहब जी यानी कैबिनेट में रहे 40 साल का राजनीतिक में, आज तक उन्हें 1 रुपया का कोई दाग दिखला दे? दाग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है नीतीश कुमार जी पूरा गठबंधन बन गया है पता है ना, इंडिया गठबंधन। अब प्रधानमंत्री के रेस में है, और बिहार में जो है तेजस्वी यादव जी को बताया गया कि अब मुख्यमंत्री वहीं बनेगा। देखिए एक बात हम आपको बतला देते हैं, नीतीश कुमार रेस पकड़ ले या इंडिया गठन महागठबंधन से महासंग्राम गठबंधन बना ले, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ जादवों की संख्या देखे ना कितना पेपर में जादव संख्या इतना है, तब जाके उसके बाद कोई समीकरण है। इसीलिए अभी जब नीतीश कुमार अब सोच रहे हैं कि अब हम चले जाएंगे दिल्ली प्रधानमंत्री, और यहाँ तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा पूरा बिहार जैसा वो कह रहे हैं, क्या मतलब आपका क्या कहना है बताइए। देखिए हमारा कहना ये बात से है कि जाति गणना करने के बाद मतलब 14% जादवों का जो दिखलाया गया है, और अभी हम आपको ये बतलाते हैं कि आने जाति विशेष पर आने भाग्य जो होता है जिसका हिस्सा कहते हैं कि जिसका जितना संख्या उनका उतना भागीदारी जी। तो अभी पिछड़ा का कम है क्या? अति पिछड़ा पिछड़ा उनका भी तो 36% है। अच्छा, तो क्या उनका प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? अच्छा, वो भी तो बना सकता है। और साथ में जैसे अभी देख लीजिए मतलब अति पिछड़ा से हो अत्यंत पिछड़ा हो, या जैसे 17% मुसलमान है, क्या हमारे बिहार में मुसलमान का वोट लेकर के और कोई नहीं बना सकता? जैसे अभी मतलब पप्पू यादव जो है कि लड़ रहा है, वह जो है कि अपना समीकरण बनाए हुए है कि पूरा मुसलमान हमारा है। लालू यादव का कहना है कि पूरा मुसलमान हमारा है। तो इसी तरह से देखिए जाति विशेष पे मत जाइए, आने व्यक्तित्व विशेष पर चलिए कि आचरण किनका कितना है और कौन व्यक्तित्व चलाने वाला है वह देखिए कि पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा हुआ टैलेंटियर व्यक्ति चाहिए। कोई मूर्ख व्यक्ति बनकर के यदि मूर्खे यदि राज्य चलाएगा प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा तब तो जंगल राज। चिराग पासवान में क्षमता है मुख्यमंत्री जी बन जाएंगे? बनने के लिए तैयार है, हम लोग बनाने के लिए तैयार है। क्या सही बात है, पूर्णिया से चल के आए कपिल देव पासवान जी का आप सहायता करने आए हैं और यहाँ पे आए, क्या मतलब क्या बात है आप यहाँ आए? देखिए हम लोग पार्टी का संगठन को मजबूत कर रहे हैं, मतलब हमारा पार्टी एकदम मजबूत है और हमारा चिराग पासवान आने वाला समय का मुख्यमंत्री। 10-20 तो आदमी खाली पासवान करने से मुख्यमंत्री बन जाएगा? हम लोग जाति पे बात नहीं करते, हम लोग का समीकरण हर सर जात से, मतलब की जाति गणना के लिए नहीं, हर जात से हर तरह से हम लोगों के पास में आदमी है वोटर। यही वो धरती है जो भला पासवान मुख्यमंत्री रहे पता है ना आपको जी, यही धरती है भोला पासवान है, और फिर पुनः चिराग जी आएंगे। क्या सही बात है, भोला पासवान जी मुख्यमंत्री बने थे पता है ना सर, आप तो पूरा विशेष रूप से जानते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए इस बात पे, कैमरामैन फोकस कीजिएगा। आने बिहार में दलित का मुख्यमंत्री पहला जब बना था ना तो भोला पासवान शास्त्री बना था जी, उसके बाद दलित में नहीं बना है मुख्यमंत्री जी नहीं, और दूसरे में पूरा भारत में, पूरा भारत का बात करते हैं, बिहार में 1 नंबर पे पूरा भारत में 2रा स्थान था जो कि दलित का नेता और मंत्री बने थे, और वही धरती है कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो है या पूर्णिया जिला का आने लोकसभा पूर्णिया में पड़ता है कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र, और वह भोला पासवान शास्त्री का जन्मभूमि क्षेत्र है, और यहां से वह 1 बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, और इस लेकर के हम लोग यह चाहते हैं, और हम लोग जाति विशेष पे नहीं करते हैं, हम लोग व्यक्तित्व विशेष यानी कि जनता का निर्णय इस बार हो गया है
कि चिराग पासवान अब की बार आएगा और हम लोग संगठन में पूर्ण बहुमत के साथ मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं और एकता बनाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं और संगठन में हम लोग मजबूत पूरा पूर्णिया एकत्रित कर रहे हैं। जैसा आप बताइए जिला प्रभारी भी पूर्णिया के हैं, आज जो बैठक हुई क्या मुद्दा पे बैठक हुआ बताइए। हम लोग इस मुद्दा पे बैठक लिए हुए हैं कि हम लोगों का जो यह निर्णय है संगठन मजबूत करने का जी, जिनमें कि मतलब सचिव साहब जो आए हुए हैं हमने इनको बतलाए कि देखिए ऐसे फोकस करने से काम चलेगा नहीं जी। हम लोगों का काम होता है जैसे देख लीजिए हम आपको दिखलाते हैं जी। जैसे यह देखते हैं यह जो है, ये जो दिखा रहे हैं देखिए फोटो है, नाम है, डिटेल है, आधार कार्ड नंबर है, जैसे आप मतलब करवा रहे हैं, आपका कार्यकर्ता लगा हुआ जी हाँ। पूरा मतलब कोढ़ा में आपका मुहिम चला हुआ है कि हर लोगों को मतलब चिराग पासवान से डायरेक्ट जोड़ना है, यही मुहिम चला हुआ है। यह चीज जो हम करते हैं यह चिराग भैया जी को हम देते हैं। अच्छा, चिराग भैया को जब देते हैं तो चिराग भैया इसमें से जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट चिराग भैया जो है कि उनसे बात करते हैं, यानी पोर्टर से बात करते हैं, आदमी यानी जो व्यक्तित्व है उनसे बात करते हैं कि बात में सही है या कोई फोकस लिख लिया जी, जी, जी। तो वह जो है उनसे कांटेक्ट लेते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं क्या आप कैसे हैं, क्या समाचार। तो ये सबको जो निर्णय दिए क्या करने के लिए कहे आप? हम इनको ये दिए पूर्णिया से चलकर आए हैं जो विभिन्न जगह से पंचायत से आए, कहाँ से आप आए? हम पूर्णिया से आए हैं। आप कहाँ से आए? पूर्णिया से आए। पूर्णिया से आए हैं, देखिए पूर्णिया से सभी लोग आए हैं, आए हुए हैं। देखिए हम लोग संगठन का आदमी हैं और संगठन मजबूत करने के लिए सब आपको बुलाए गए थे और बुलाए हुए थे और ये लोग आए हुए हैं। हम लोग पार्टी का मतलब पार्टी विशेष का मुद्दा लेकर के हम लोग संगठन मजबूत करने के लिए इनका जो है एक मतलब समीकरण निकाल रहे हैं कि हम लोगों को अगला चुनाव जो आएगा मुख्यमंत्री 2024 में जो इस बार अभी सांसद एमपी का 25 का भी तैयारी चल रहा है, 24 के साथ साथ 25 का भी चल रहा है। हो सकता है कहीं मतलब लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही ना हो जाए चुनाव, इस लेकर के हम लोग विधानसभा के भी चुनाव जो है कि करने के लिए हम लोग मजबूती बना रहे हैं। तो ये सबको एकदम मतलब दे दिए हैं ये करना है। देखिए इन लोगों को डोर टू डोर व्यक्तित्व जन जन व्यक्तित्व से मिलने के लिए हम मतलब प्रेरणा किए हैं, इन लोगों को बताए हुए हैं कि जा करके यानी घर घर जा करके व्यक्तित्व विशेष पे ऐसे जाके मिलने से नहीं होता है, इस तरह का डायरी बनाना होता है ताकि क्या आप समझ गए जैसे ये बात बोले हैं क्या आपको ये काम कर लीजिएगा? ये कपिल देव पासवान जी आपको जो समझाया आज मीटिंग जो हुआ आप लोग का क्या मतलब क्या हुआ इस पे आप भी बताइए। इस चीज हमको बहुत अच्छा लगा और इस चीज पे इसी तरह काम होना चाहिए। क्या बोले कपिल देव पासवान जी आपको कि इस तरह का डायरी बनाइए, डायरी हर जगह का नाम लीजिए, उसका नंबर दीजिए, चिराग जी से डायरेक्ट बात होगी उसको से बात डायरेक्ट। और बोले जो लगातार आप सामाजिक कार्य में लगे रहिए, सामाजिक काम करना, इस पे भी कुछ बोले आपको क्या? हाँ सामाजिक कार्य पे भी बोले, हम लोग सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान। क्या पद है आपका पार्टी में? पूर्णिया जिला सचिव है। आपका क्या नाम है? अरे कुमार भारती। क्या ये जो बोले महासचिव जी जो बोले क्या मतलब आपको क्या जिम्मेदारी दिया गया, आपको क्या करना है बताइए? संगठन को मजबूत करना है, दूर टू दूर जाके आदमी से संपर्क करना है और आदमी को जितना से जितना हो पार्टी में संगठन क्या आपको क्या आप क्या मतलब बताइए? सिमरन पासवान में रहना है, हम लोग संगठन करके चलते हैं, गांव में घूमते हैं, एक एक बच्चा से मिलते हैं, बुढ़ा से मिलते हैं, सबसे संपर्क करते हैं। देखिए आज ये कपिल देव पासवान जी की आवाज पे ये सभी पूर्णिया से आए थे और ये लोग जो हैं संगठन के कार्य को लेकर आए थे और कपिल देव पासवान ने कहा है कि पार्टी को जितना से जितना अधिक मजबूत करने का काम कीजिए और सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहिए, यही है ना जी। और कुछ बोलना है बताइए सर? देखिए हम लोग पूरा जो है कि संगठन मजबूत बनाने के लिए जो मुहिम चलाए हैं, सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए जो मुहिम चलाए हैं, इनमें जो है सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए हम लोग जो है कि देख लीजिए इनका भी जो है रसीद का मतलब देखिए ये जो है इनसे जो है कि हम लोग सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, ये रसीद है, रसीद से सदस्यता ग्रहण करवाते हैं पर व्यक्तित्व से जाके। पासवान जी पूर्णिया कटिहार को लगातार मतलब अपना तन मन से लगे हुए हैं इस लेकर के कि मेरा जो है आला कमान मेरा चिराग भैया जी जो है आने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो पार्टी है सब एकत्रित होकर के एकजुट होकर के संगठन मजबूत बना करके हम लोग लड़ रहे हैं और अगला 2025 में अच्छा नीतीश कुमार जो है 25 में जाति जनगणना जो कराया गया नीतीश कुमार तेजस्वी यादव इससे क्या आप लोग खुश हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है बताइए? देखिए अभी उनका सरकार है उनका राज है हाँ। तो वह लोग जो है वो अपना जो है कि बढ़ा करके दिखला दिए हाँ। और सब जो है उन लोगों को मतलब कि दाब दिए यानी उन लोगों का जो है कि समीकरण कम कर दिए ताकि उनका वर्चस्व बना करके सरकार बनाने में उन लोगों का भूमिका। आप ये कहते हैं लगातार अभी देख रहे हैं ना कहते हैं ये तेजस्वी यादव जी अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं हम लोग पे मोदी जी लग जाते हैं छापेमारी करवा देते हैं, अगर जो बढ़िया काम करेगा ना जैसे अभी कटिहार में छापेमारी हुआ है, पूर्णिया में हुआ है, मिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहां पे भी छापा मारा, इस पे क्या कहना है? देखिए हम आपको एक बात बतला देते हैं, इंसान व्यक्ति चाहे अंधेला में भी बैठे रहेंगे ना तो उनके साथ रोशनी साथ देगा हाँ।
यदि कोई चोर आदमी रोशनी में भी बैठेगा ना तो उनको उनके लिए अंधेरा ही बन के रहेगा। हम जब तक चोरी करेंगे नहीं तो छापामारी हमारे ऊपर होगा क्यों? बीजेपी वाले पे छापेमारी क्यों नहीं होती है और सभी दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा है? खाली देखते हैं विपक्ष पे ही छापेमारी हो रहा है, इस पे क्या करना? ऐसा कोई बात नहीं है। अगले चुनाव में बीजेपी का जो नेता था, अगले यही तो कुछ समय पहले बीजेपी का जो था मतलब सांसद साहब, उनका भी तो हुआ था। अच्छा, तो उनके लिए क्या बीजेपी का रहे या किसी का रहे, जो चोरी करेंगे, जो मतलब काला धन बनाएंगे तो उनका तो होगा करेगा। महिला आरक्षण बिल सही है? जी हाँ, ये सही है। सही है जी हाँ, 30% आरक्षण तो दिया है। हाँ। मोदी जो दिए महिला के लिए, तो नीतीश कुमार 35% दिए थे बिहार में, लेकिन अब जो है पूरा भारत में लागू हो गया। यह चीज गलत नहीं है, कर दिए 50-50 का भागीदारी बना दिए है। स्वयं लड़ेगा, स्वयं लड़ने का क्षमता बनाएगा। अभी फौज में जो है महिला ही जाकर के लड़ रही है, इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा कोई गलती नहीं। आज के लिए इतना ही। लगातार कपिल देव पासवान जी का जब भी वीडियो बनाते हैं, लगातार यहाँ जो पूर्णिया क्षेत्र में लगातार इनके चाहने वाले लोग कहते हैं कि आप बनाते रहिए इस तरह का जो है वीडियो, आप दिखाते रहिए कि कपिल देव पासवान जी क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो में, आगे दिखिएगा। जय हिंद।